साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों, इस वर्ष भी आप में से अधिकांश किसान भाई अपने खेतों में गन्ना वैरायटी 0238 की ही बुवाई कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि पिछले कुछ वर्षों में गन्ना वैरायटी 0238 में बहुत ही अधिक मात्रा में सभी प्रकार के रोग दिखाई दिए हैं, जिसमें से मुख्यतः दो रोग इस गन्ना वैरायटी को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से नंबर एक पर आते हैं फंगस जनित रोग जैसे कि पोका वोइंग या रेड राड, जिसको अधिकांश किसान भाई गन्ने के कैंसर के नाम से जानते हैं। भाइयों, जिस भी गन्ना वैरायटी में लाल सरण रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो गन्ना वैरायटी समाप्त ही हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इस गन्ना वैरायटी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं वो रोग हैं इस वैरायटी में लगने वाला टॉप बोरर या सूट बोरर। ये सबसे अधिक नुकसान इसी गन्ना वैरायटी को पहुँचाते हैं। तो भाइयों, आप में से अधिकांश किसान भाई अब की बार गन्ने में लगने वाले लाल सरण रोग की रोकथाम के लिए गन्ना बुवाई के समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद आप ये ना सोचें कि हमारे गन्ने की फसल में फंगस जनित रोगों का प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद भी आपके गन्ने की फसल में पिछले सालों की तरह ही फंगस जनित बीमारियों का प्रकोप दिखाई देगा, हो सकता है कि और ज़्यादा दिखाई दे। तो भाइयों, आपके मन में अब ये सवाल होगा कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद भी हमारे गन्ने की फसल में फंगस जनित बीमारियों का प्रकोप दिखाई क्यों देगा? हमने तो गन्ना बुवाई के समय अपने खेत में ट्राइकोडर्मा डाला था। तो भाइयों, वो सब मैं आपके लिए अगली नई वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ ये बताऊंगा कि आप अपने गन्ने की फसल में टॉप बोरर और सूट बोरर की रोकथाम किस प्रकार कर सकते हो। भाइयों, ज़्यादा बड़ी बात तो मैं आपसे नहीं कहता, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे फॉर्मूले को अपने गन्ने की फसल में अजमाते हो तो आपके गन्ने की फसल में इस वर्ष सूट बोरर और टॉप बोरर की रोकथाम 90-95% बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर और सूट बोरर की रोकथाम बहुत ही आसानी से हो जाए, उसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि आप में से अधिकांश किसान भाई वीडियो को पूरी नहीं देखते, उनको आधी अधूरी ही जानकारी मिल पाती है। तो भाइयों, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी गन्ना वैरायटी 0238 है। आप देख पा रहे होगे, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी रोग दिखाई नहीं देगा। पूरी प्रकार से अभी तक सभी गन्ने के अंगोले सुरक्षित हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। भाइयों, ये गन्ना वैरायटी 0238 ही है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब की बार हम भी अपने अधिक रकबे में गन्ना वैरायटी 0238 की ही बुवाई करेंगे, क्योंकि भाइयों, इससे अधिक उत्पादन देने वाली कोई भी गन्ना वैरायटी अभी तक नहीं बन पाई है। अगर इस गन्ना वैरायटी में समय रहते रोगों की रोकथाम कर ली जाए तो सबसे अधिक उत्पादन यही गन्ना वैरायटी देती है। तो भाइयों, आप भी अपने खेत में गन्ना वैरायटी 0238 की निश्चिंत होकर बुवाई कर सकते हो। सिर्फ आपको बुवाई के समय ये ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में से बीज ले रहे हो उस गन्ने में फंगस जनित बीमारी अधिक ना हो। तो अब देर ना करते हुए अब आता हूँ मैं आज के मुख्य टॉपिक पर कि आप अपने गन्ने की फसल में लगने वाले टॉप बोरर और सूट बोरर की रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, उसकी रोकथाम करने के लिए आपको अधिक महंगे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने गन्ने की फसल में सही समय पर कीटनाशकों का स्प्रे करना होगा।
भाइयों, आपको अपने गन्ने की फसल में 14 दिन के अंतराल पर स्प्रे करनी होगी। और भाइयों, ये नहीं है कि आप कभी भी 14 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर दो, उसके लिए आपको एक निश्चित तिथि के अनुसार स्प्रे करनी होगी। भाइयों, आपको ये स्प्रे तारीख के हिसाब से नहीं करनी, आपको ये तिथि के हिसाब से करनी है। उसके लिए आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हो, आप हमला भी ले सकते हो, आप रॉकेट दवा का भी स्प्रे कर सकते हो, आप इनके स्थान पर किसी भी अन्य कीटनाशक की भी स्प्रे कर सकते हो। तो भाइयों, आपको जो ये स्प्रे करनी है, ये पहली स्प्रे आपको तब करनी है जब आपके गन्ने में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग दिखाई नहीं दे रहा हो, लगभग बुवाई के एक महीने के आसपास। लेकिन भाइयों, आप ये नहीं समझना कि हमने तो बहुत महंगे महंगे कीटनाशकों की स्प्रे पिछले वर्ष की थी, उनसे भी ये रोग नहीं रुका था। भाइयों, सभी प्रकार के कीटों को समाप्त करने का जो मेन फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है कि आपको पहली स्प्रे जो अपने गन्ने की फसल में करनी है, वो आपको किस तिथि में करनी है। तो भाइयों, वो आपको करनी है पूर्णिमा को या अमावस्या को, इन दोनों के बीच में 14 दिनों का अंतराल होता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको प्रत्येक स्प्रे जब भी करनी है, पूर्णिमा को या अमावस्या को ही करनी है। किसान भाइयों, यही आपको समझना होगा कि जितने भी कीट पतंग होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं दो तिथियों में अंडे या बच्चे पैदा करते हैं। भाइयों, ये तो आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि किसी भी छोटे से पौधे को कोई भी बच्चा भी आसानी से उखाड़ सकता है, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, तो किसान भाइयों, उसको उखाड़ने के लिए बहुत ही अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप उस समय पर अपनी फसल में स्प्रे करते हो जब कीटों के बच्चे बहुत ही छोटी अवस्था में हैं, तो किसान भाइयों, वो बहुत ही हल्के कीटनाशक से बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाते हैं। अगर भाइयों, आप शुरुआत अवस्था में ही उन कीटों को नहीं रोक पाते, तो वो बहुत ही अधिक मात्रा में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और महंगे महंगे कीटनाशकों से भी वो समाप्त नहीं हो पाते। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप अब की बार 1 या 2 एकड़ में इस फॉर्मूले को अजमा कर अवश्य देखें। साथियों, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद भी गन्ने की फसल में फंगस जनित रोग क्यों लगेंगे, उसका क्या कारण है। तो लास्ट में भाइयों, आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो ये हमारा गन्ना देख पा रहे हो, ये गन्ना 0238 है, इसमें किसी भी प्रकार का रोग हमने नहीं आने दिया, जबकि हमारे क्षेत्र में दूसरे किसानों के खेत में टॉप बोरर, रेड रोड, सूट बोरर सभी रोग बहुत ही अधिक मात्रा में इस गन्ना वैरायटी में अब की बार लगे थे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।